कणकदार और कड़ुआ सच है। कणियल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है। शिक्षा का संसार, शिक्षा का संसार, शिक्षा का संसार, प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाए चार। प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाए चार। रे भैया ये है घर परिवार, रे बबुआ ये है घर परिवार। घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार। त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति को संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। पहलवान जी जरा जल्दी कीजिए ना। अब बोल क्या बकरा था? कुछ खास नहीं पहलवान जी, मुझे बच्चों के हिंदी के पढ़ने के लिए चार बड़े रजिस्टर और दो निप वाले पेन चाहिए जो शाही से चलते हैं। जरा जल्दी कीजिए, मुझे बहुत दूर जाना है। बहुत दूर जाना है? भीतर आ जा पहले। जी कोई बात नहीं। जी गांव में नया आया है, मेहमान है। जी मैं कल्लू जी का भतीजा हूँ, उन्हीं के बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें लेने आया हूँ आपके पास। कल्लू का भतीजा है, फिर तो मारा ही भतीजा हुआ। आजा आजा बैठ जा, बैठ बैठ बैठ। जी शुक्रिया पहलवान जी। ए सुन भतीजे, सवेरे सवेरे खोपड़ा ना खराब। पहलवान जी मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए काफी किताब मांगी थी आपसे। बच्चों के लिए? अबे बच्चों के लिए ले जाना है तो खट्टी मिट्टी गोली ले जा, आम पापड़ ले जा, दस्तावर गोलियां ले जा, खाम खा की चीजों में काय मत्था खराब कर रहा है। पहलवान जी मुझे सीखने और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको देना है तो दो, नहीं तो मैं यहाँ से जाऊँ। तू तो निकल ले यहाँ से, किताब कॉपी मांगे हमें। रे घटती हुई काया के प्राणी, ये कल्लू के बच्चों में क्यों किताब का जहर बांट रहा है? दादा कौन है, क्या मांगे, क्या बात है? बिंदु एक किताब कॉपी मांगे हमारी दुकान से। किताब कॉपी मांगे है? क्यों रे काले पिछे हुए, पिछे हुए हम, तू दुकान में भीतर घुसा कैसे? अरे बाहर ने किताब कॉपी नहीं रे बिंदु, नहीं नहीं मत मारे, तुमने तो पसराई दिया, हड्डी पर तोड़े रे। रुक जा बिंदु, मारे नहीं, कल्लू का भतीजा मेहमान है रे। मेहमान है? हाँ। पहले क्यों नहीं बताया? खड़े कर, खड़े कर। मेहमान बावड़े, पहले बोलता तू है? ला सर रख इधर, पहले बोलता तू है? देख भाई वैसे तो हम बड़े अदबी आदमी है, मगर ये किताब कॉपी और पढ़ाई लिखाई से हमें खुजली सी हो गए। क्या हो गए? खुजली, खुजली सी हो गए हमने, समझ गए ना? रात ने 12 बजे आके दादा की दुकान ने खुड़का दिए। अच्छा ही नीला थोता मांग लिए मिल जाएगा, पर किताब कॉपी मत मांगी रे तू, नैनी पर ये तुलकत हो जाएगी तेरी। क्यों भी बता दे हमने, क्यों भी बता तू? अब तू यूं ही मान ले, किताब कापिया से पढ़ाई लिखाई से हमने खेच है। के है? खेच। जोर से बोल, खेच है, समझ गा? इसलिए दादा के मैं पहले पेट भरने की जिगत करो, दिमाग में भरने की नहीं, इसलिए हम ये जादूगरनियों के लच्छे बेचते ही नहीं।
लच्छे लच्छे यार लच्छे मैं जानता हूँ बता दो लच्छे बता दो रे बता दी लच्छे बता अरे रे वो भी बताओ तेरे मैं पता नहीं कहाँ फंस गया इन लोगों के बीच में आके अगर थोड़ी देर और रोंगे तो और पिटूंगा मैं तो लगता हूँ दादा ये तो फंस गया था मेहमान चल छोड़ अच्छा वो दादा वो कितना है अपना दुखिया ना ना दुखिया कुछ ना कहिए जय बजरंग बले कैसा गोलू कैसा चंदू ठीक है चल बेटा चंदू उल्टी पटक लगा बेटा जरा दिखा जरा शाबाश बेटा शाबाश बेटा शाबाश चल बेटा दो ही पार्ट लगा बेटा दो ही पार्ट शाबाश बेटा शाबाश चल चंदू ढाप लगा बेटा ढाप शाबाश बेटा शाबाश 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 बेटा शाबाश कट्टी लगा गोलू कट्टी शाबाश बेटा जोर से यस शाबाश 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 चल बेटा कट्टी दोबारा लगा बेटा शाबाश बेटा शाबाश अरे चाचा फिर लंबर पकड़ी मारी चाचा अरे छोड़ दे गोलू छोड़ 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 इधर आ तू इधर आ इधर आ क्या मरी भेड़ सा हो रहा है चल बेटा गन बैटर निकाल अरे तुम लोग भी जोर लगाओ जरा चल नीचे बैठ क्या मरी भेड़ सा हो रहा है तेरा बापू यानी लक्ष्मण दादा जब कुश्ती लड़क करे था तो पहलवान अखाड़े के बजाय ताबीज गंडे वालों के यहाँ ज्यादा जाया करते थे डर के मारे और एक तू है कि मरी भेड़ सा हो रहा है अब कोशिश तो कर रहा हूँ ना चाचा कोशिश नहीं चाहिए बेटा पटक चाहिए पटक चारों खाने चित वाली पटक चाहिए चलो अब तुम लोग भी नहा लो चलो बेटा चलो 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 यूं तो हमारे गांव का नाम डूब जाएगा अरे तुम भी लोग भी जरा जोर ज्यादा लगाया करो बेटा चल बेटा चल तो तुम ही नाले चल प्रणाम चाचा जिधर आ बेटा चल गोल शाबाश अरे एक बात कहूं अरे अगर तुम अपने गोबर में पसरना छोड़ दो ना तो तुमसे अच्छा जीव कोई नहीं है यूं तो तुम्हारा दूध और गोबर दोनों ही काम के हैं अरे लेकिन गोबर में लोटो तो मत ना देख क्या हालत बना रखी है अपनी अब मुझे रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा आओ बाबा आओ साफ तो करण दे कि साफ भी ना करण देगी भैंसों की सार में हो जाएगी भिनसार ए बिंदु हिम्मत मत हार चला बाबा वो बात तो पूरी करो आप बता रहे थे कि मेरा नाम बिंदु क्यों पड़ा अरे वो मैं बताता हूँ याद आया हाँ देख तेरे को बचपन में चेचक नहीं माता है और तेरे चेहरे पे ये बिंदी 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 मैंने कहा पहलवान लक्ष्मण अरे रख दे इसका नाम बिंदु या अली बलाटा जी अरे देख तू आज कैसा हो गया एकदम मस्त बच्चा अरे गज्जू अरे गजेंद्र गजेंद्र ए गजेंद्र अरे क्या बात है बिंदु अरे काली काली भैंसों में ऐसे खड़ा है पीला पीला सरसों का फूल अरे तो मैंने थोड़ी कही थी बजरंगी से कि मेरा रंग पीला कर दे और तो सब ठीक है ना आओ ये देख हसन बाबा आए हैं मिल ले दुआ सलाम कर ले चल अरे चिमटा भी लाए हैं के चिमटा तो चिमटा मैंने तो दिखाई नहीं दे रहा भाई सलाम बाबा सलाम खुदा तुझे महफूज रखे गज्जू अरे तू तो इस गांव का सबसे गबरू और होनहार पट्टा है पहलवान खानदान का बीज है, है पर भाई देख तू अपने इस पीले पीले रंग पर कभी ध्यान मत देना ना बाबा चिंता नहीं करना है देख काले काले आसमान में है सूरज के सब पीला पीला चमकता है या अली कली खिली कली खिली यू यू सूरज जैसे चमके हैं है? है? और नहीं असली बात आपने नहीं मालूम बाबा है? मैं बता दूं बताऊं के बाबा बात ये नहीं है मैं बताऊं असली बात क्या है क्या है बात ये है कि जब ये हमारी माँ के पेट में था ना तो हमारी माँ ने काट गया पीले रंग का ततैया तो हमारी माँ ने तो दवाई दिवाई वो तो हो गई ठीक पर दवाई जो है ना इस तक नहीं पहुंची पेट में तो ये पीला रह गया अरे ये सही बात नहीं है ठीक है बाबा अब काम की बात कर रहे थोड़ी हां काम की बात आप ही बता क्या बात है अंदर बता क्या परेशानी है आओ बाबा बताऊं आपको परेशानी क्या है चलो आप ही करो बात मैं गाय भैंस के बारे में कुछ नहीं जानता आओ इसे भी कुछ नहीं जाने हम तो सब जानते हैं अब बाबा एक भैंस तो लात मारे है अच्छा और दो तीन बीमार पड़ रही है दूध भी ना दे रही पता नहीं क्या बात हो गई अरे
ये लात मारे। हाँ बाबा। वो दूध नहीं दे रही। हाँ बाबा। याली कली की देगी, ये भी दूध देगी। धीरज रख गजेंद्र, धीरज रख। हाँ मैं देखता हूँ क्या है। याली याली दे गई, नहीं दे गई, दिखाई दे गई। इस सार में भूखी बूढ़ी चुड़ैल का डेरा है, भैंसों में उसका बसेरा है। याली या या याली ये ले, ये ताबीज ले, इसको सार की लकड़ी में बांध दे, सारी बनाए दूध हो, तेरी सार दूध से भर जाएगी, तेरा खानदान दूधो नहाएगा, पूतो फलेगा। याली बलाटली, चल बाबा, चल बाबा, चल बाबा, चल बिंदु, बलाटली बलाटली बलाटली, याली बलाटली बलाटली, याली बलाटली, याली बलाटली बलाटली। नलका चला ना जोर से कमली। भाभी मुझे दो, मैं करती हूं। तू पहले ये कपड़े धो ले, मेरे को डब्बा दे। भाभी लगता है तांत्रिक बाबा आए हैं तबेले पे। हाँ रे, अब भगवान भली करे इसकी, ये ना होता तो पता नहीं गांव का क्या होता। होता क्या, इसकी जगह कोई डॉक्टर आ जाता। ये बावरे हो गई है छोरी, जब से उस डॉक्टर की बिटिया के साथ खेलने गई है तब से इसका दिमाग खराब हो गया। अरे छोड़ो ना भाभी, इसकी शादी हो जाएगी तब इसे अकल आ जाएगी। क्यों, तब क्या मेरे सींग निकल आएंगे? तेरे बापू ने ऐसी बातें सुन ली तो तेरा कुएं में ढकेल देंगे तुझे। क्यों, मैं कोई पढ़ाई की बात थोड़ी कर रही हूँ। अरे बेटा ये बातें भी तो उन्हीं के जैसी है ना। अब देख तेरी चाची को, छह जमात क्या पढ़ लिया, आंखें ही दे बैठी। अब भला हो उस लंगड़े फकीर की मजार का जो इसका भला हो गया। अरे भाभी मैं कोई रोज रोज चश्मा थोड़े ही लगाती हूँ। हाँ पर कभी कभी तो लगाना ही पड़ता है। पर माँ ये शीशे भी तो पढ़ने लिखने वालों ने ही बनाए हैं ना। तो पैसे ना दिए क्या इसके? अब तू मुझे ज्यादा बावरी ना समझ छोरी, मुझे पता है शीशा जमीन से निकले है। अरे भाभी आप भी कुछ कम ज्ञानी नहीं है। अरे बेटा अब मुझ में क्या रह गया है। अपने टेम में तो मैं 40-40 आदमियों के खाने में बगैर देखे नमक डाल देती थी, अब मजाल है कोई सिस्कारी भी भर दे। हाँ ऐसा ही होता होगा, मैं तो आज तक आपके बराबरी का काम नहीं कर पाती। अरे बेटा तुझे तो किताबें खा गई, वरना तू भी किसी रानी से कम थी क्या? मेरी चाची तो भी रानी है। अरे रानी क्या, अब तो पटरानी है मेरी बहू। अरे देख तो क्या गिरा कमली। बिल्लो क्या हुआ, पानी पीना था? हाँ। तो मुझे बुला लिया होता ना, मैं पिला देती। रुक, ले। दीदी ये पानी का ग्लास तो मैं भी उठा लेती, और जब मैं ये पानी का ग्लास उठाने लगी तब ये बर्तन गिर गया। तुम्हें पता है जब मैं बाहर खेलने जाती हूँ ना तो कोई मुझे नहीं खिलाता। क्यों? वो कहते हैं कि मैं भाग नहीं सकती। अरे पागल हैं वो लोग तो, अगर ऐसे ही भागने वाले हैं तो जाके लड़ लेना अपने बाबा से अखाड़े में। वाह फिर तो बापू सबको पटक पटक कर मार देंगे। हाँ और क्या दीदी। हाँ? पर बापू ने मेरी टांग का इलाज क्यों नहीं करवाया? बिल्लो वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ मेरी सहेली मोती है ना, वो बता रही थी कि हम भी झूला झूलेंगे। नहीं बेटा तुम वहीं पर बैठकर गुट्टे खेल लो, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। क्या दीदी आप भी हमेशा मना करते रहते हैं, मेरा पैर खराब है इसलिए ना। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गुट्टे खेल लो है ना कमली। हाँ
कमली हाँ देखो बेचारे को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। वैसे बिल्लों को ये तकलीफ कैसे हुई पता नहीं, पर जहाँ तक मुझे याद आता है एक दिन बिल्लो ने पिताजी से सुबह स्कूल जाने की बात कही थी और जब वो सुबह सोकर उठी तो ठीक से चल नहीं पाई। पिताजी को तो पढ़ाई के नाम से भी नफरत है। देखो ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ यही तो मैं भी कहती हूँ। चल उतर अब मेरी बारी। नहीं अभी मुझे और नहीं, नहीं चल चल उतर अब। अच्छा ले। लेकिन पापा बता रहे थे कि यहाँ हर बार पोलियो के टीकों के पर्चे दीवारों पर लगे रहते थे। फिर भी तेरे पापा ने इसे दवाई क्यों ना दिलाई। वो कौन सा पढ़े लिखे हैं? पर तुझे कैसे मालूम, तू भी तो तब छोटी ही थी ना। पर पढ़ तो सकती थी ना, मैं तो स्कूल जाती हूँ। और अगर आज वो भी पढ़े लिखे होते तो शायद आज बिल्लू भी हमारी तरह। पता नहीं मूर्ति ठीक कह रही थी या नहीं। खैर छोड़, चल अब तू सो जा, भगवान तुझे जल्दी ठीक करेंगे। अच्छा दीदी हुँ? अब आप मुझे कहानी सुना, वो भी परी की। अच्छा परी की। एक थी परी, बहुत सुंदर थी, उसका नाम था रानी। सब लोग उसे परी रानी कहकर बुलाया करते थे। जल्दी जल्दी हाथ चला दुखिया, एक तो दोपहर पीछे आया है ऊपर से हाथ ऐसे चला रहा है जिस सूखा मसान। पहलवान जी दुखिया जल्दी जल्दी हाथ चलावेगा तो डिब्बा गिर जावेगा, और डिब्बा गिर जावेगा तो आप ही कहोगे कि दुखिया है। तू नाम का भी दुखिया और काम का भी दुखिया। बहुत दिमागी बातें कर रहा है, छोटी छोटी बातों का हिसाब नहीं रखते। डिब्बा रख। पहलवान जी हिसाब रखे वो जो पढ़िया लिखा हो, मारी तो नुही मौज में कटरी सरकारी तूने टूट के कौन बड़े। बस तेरी ऐसी बातें सुनकर तो लगे कि तू मेरा बेटा है, बाकी तेरी खाल भपका मारे। चल जा काम कर। अरे पहलवान जी मैं तो हमेशा से इस दुकान को अपना घर जैसा समझू। हाँ। तुम ही हो जो मेरा छोटे भरी जाओ। बावले सुन तू परात भर भर के खाना मेरे खा, अब प्लेट भर के नहीं थाली भर भर के नाश्ता मेरे करे तो चुट्टी भरने जाऊं कुएं धोरे। चल जा जा अपना काम करे। पहलवान जी राम राम। आप ही चित्रे आप बैठ बैठ स्टूल ले ले। कहां जा रहा है ऐसे सज धज के? अरे लच्छू पहलवान जी अब क्या बताऊं, आप बुरा मान जाएंगे। अरे भाइयों में क्या भला और क्या बुरा, तू बात बता। मुझे स्कूल बुलाया है उस मास्टर ने। स्कूल बुलाया है? अब तू जा रहा है? अरे तो और क्या करूं, अंग्रेजों के बाद मास्टरों की चाकरी करो, सब बर्बाद बर्बाद। बता बात क्या कही? अब बात कुछ नहीं है, भरतों का लड़का कह रहा था कि मास्टर जी कहते हैं कि मेरा लड़का बड़ा कमजोर हो गया है। तूने भैंस बेच दी? अरे नहीं पहलवान जी, मैंने तो परसों ही एक नई भैंस खरीदी है। तू खाना पीना कैसा कर रहा है? अरे नहीं नहीं खूब छत्ते खाता है। और वजन क्या होगा? और वजन वो अपने भैंस के छोटे बछड़े के बराबर होगा। पता नहीं सरकारी जादूगर ने क्या आफत फैलाई है। मैं तुमने पहले ही मना कर रहा था कि सड़ंगे मत पड़, लड़के से अखाड़ा मत छुड़वा। अखाड़े में भी तो आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे क्या करूं पहलवान जी, उसकी माँ ने जिद की। अरे माँ उसकी माँ होगी क्या अखाड़े में? क्या जनानिया जैसी बात कर दी है। अब पहलवान जी कोई जुगत बतलाइए, मेरा तो बड़ा दिल घबरा रहा है। अरे तेरा दिल तो क्या पूरे गाँव का दिल घबराता सकूट जाते हुए। एक काम कर। बताओ क्या काम? तू उस मास्टर से बोल दे जो लड़का कमजोर है तो अखाड़े में आकर भिड़ के देख ले, जोर कर ले। चाहे तो 100 रोटी खा के दिखाए लड़के के बराबर, चाहे तो 2 बाल्टी दूध पी के दिखाए, जब पता चलेगा कौन कमजोर है। अरे पहलवान जी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बात मास्टर से कहेगा कौन? कौन सी बात? और भाई साहब क्या है? मेहरबानी दादा आप तो घर जाना, वो हसन बाबा है ना वो आया बैठा है। और तू घर वर की छोड़, पहले तू दादा की मुश्किल हल कर। क्यों क्यों यार? अरे कोई राड हुई दादा? अरे राड वाड ना हुई, तू चतुरु के साथ स्कूल चला जा। स्कूल ना जाता ना, स्कूल स्कूल मैं नहीं जाता। देखो मेरे सवेरे से इस बाई आंख में दर्द है,
और मैं स्कूल के आजू बाजू फटक गया ना तो मेरे तो लग जाएगा चश्मा। वे बिंदु, सरकार ने अभी ऐसे मास्टर ना छोड़े जो हमारे खानदानी टचक तोड़ दे। देखो दादा, फिर भी ये बहुत मुश्किल काम है, आप बात की गहराई को नहीं समझ रहे। देखो मैं स्कूल जाऊंगा तो कहा सुनी तो होनी ही होनी है, समझ गए ना? और कहा सुनी वही मास्टर ने ऊट पटांग बात कही तो मैं मारूंगा, मंजूर है? बोलो पहलवान जी। छोड़िए, मैं कल खुद चला जाऊंगा। अरे कल क्यों, कोई हमारे सामने हमको धमकी दे के चला जाए? बिंदु, चतुर भाई के साथ स्कूल आज जा। तो ठीक है दादा, अगर आपका ऐसे ही हुक्म है तो आज वारा न्यारा कर ही देखते हैं। चलो भाई साहब जी, चलो। पहलवान जी राम राम। घबरा मत बिंदु, साथ है। पहलवान जी, आपने अच्छा ही किया जो मुझे चतर सिंह के साथ नहीं भेजा, नहीं तो अरे दुखिया, मैंने बेरा से पढ़े लिखो को काबू करना तेरे बस का रोग को नहीं। दुखिया को अल्ली गल्ली ना समझो, बड़े बड़े खेल खेल लिए दुखिया ने। हाँ, बहुत बड़े बड़े खेल खेल लगे तुमने। पढ़े लिखो को देखा है? जब मोटा सा चश्मा अपनी आंखों पे लगा के दिमाग पे जोर डाले है तो दिमाग की नसें फूल के यूं हो जा जोर से। तब तो ठीक किया आपने। एक बात बताओ पहलवान जी। वो भी बता दे। जोर के मामले में बिंदु का कोई जोर नहीं। अब बेरा मन ना बिंदु का जोर को नहीं, तो आड़े खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल जोर से काम कर, अल्ली गल्ली ना घूमे। ओ मास्टर जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ। बस थोड़ा सा भैंस के पैर में तालाब में चोट लग गई। ओह, अच्छा, तो अब ठीक है ना? अरे बिल्कुल ठीक है, आपकी कृपा से सब ठीक है। आप सब कौन? अरे मैं बताना ही भूल गया मास्टर जी, ये है बिंदु पहलवान। बहुत अच्छा नाम है आपका। अच्छा नाम है। अरे मास्टर, अच्छा नाम ना होता तो 40 कोस के गांव में कैसे घूमता? क्या करते हैं आप? हम पहलवानी करते हैं, खुल्ला खाते हैं और खुल्ला पीते हैं। कराना है कुछ? नहीं नहीं मास्टर जी, वो भरतो का बेटा चंदू कह रहा था कि मेरा बेटा रोहतास बड़ा कमजोर है। हाँ, उस पर आप ध्यान रखिए। अरे मास्टर जी, मैंने तो उसे खुल्ला छोड़ रखा है। बिंदु जी, खुल्ला छोड़ रखा है? हाँ, मन चाहे खाए मन चाहे पिए। फिर कमजोर क्यों है? नहीं, उस पर कुछ पाबंदी भी लगाइए ताकि वो आगे बढ़ सके। क्यों बिंदु, नियम तो जरूरी है ना? अरे मास्टर, नियम तो उसी के होते हैं जो पटकी देते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए नियम तो जरूरी है ना? अरे शरीर में चर्बी होगी तो मास्टर दिमाग भी भागेगा, वरना चील है ना, वो भी तुझे कबूतर दिखाई देगी। मेरा मतलब दिमाग से है, नहीं समझा? आदमी तो तुम समझदार लगते हो। अगर समझदार ना होता तो तेरे लपेटे में ना आ गया होता मैं अब तक। नहीं, मैं समझा नहीं। अब हो गई ना बात पक्की कि मास्टर तेरा दिमाग भी कमजोर है, नहीं समझा? घी तो रोहतास भी पीता है लेकिन फिर भी वो कमजोर है। ए? पढ़ाई में कमजोर है? ओ, मैं तो मास्टर जी डर ही गया था, समझा ना जाने क्या बात है। मगर भाई ये तो जरूरी है। देख मास्टर, दुनिया में दो चीज जरूरी होती है। सुन, कौन कौन सी? एक होती है देह, देह मतलब शरीर, दूसरी होती है खुशी। है? जब देह में खुशी नहीं रहेगी तो फिर तेरी किताबें क्या पैर में इंजन लगा देंगी जो आदमी आगे बढ़ जाएगा। और जहां तक मास्टर सुन, इधर है ना, इधर जहां तक ताकत का सवाल है ना, वो रोहतास छोरा जो तेरे स्कूल में पढ़ रहा है ना, जिसकी तू शिकायत कर रहा है, उसके साथ तो अखाड़े में एक बार आ जा, दिखे ऐसे सुरसुरे दावा मारेगा, चित कर देगा 2 मिनट में।
फिर दिखाइए के सरकार के सरकारी के योजना के रजिस्टर के बड़ा दा। अरे भाई मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि आप अपने बच्चे रोहतास को समझाइए कि वो पढ़ाई लिखाई में मन लगाए, और मैं तो ये भी कहूंगा कि आप लोग भी पढ़ने लिखने के लिए यहाँ आइए। हमने बुजुर्गों के लिए नई योजना लागू किया है। योजना लागू करिए? अरे चतरे भाई साहब ये ओके होया? हम तो भूत भगाने आए थे, ये तो चुड़ैल गले पड़ गई। ओ मास्टर जी हमारी ये उम्र पढ़ने की रह गई है। क्यों नहीं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ मास्टर ये बात तेने बिल्कुल सही कही है। हाँ क्यों? हाँ चतरे भाई ये कोई बात हुई? अरे हर उम्र में पढ़ना क्यों, किस बात का खामो खा की बात? अरे अपनी आंख फोड़ो, क्यों फुड़वा रहे मास्टर तू अपनी आंख, और क्यों फुड़वा रहे हमारी बात? अरे असली बात तो यह है मास्टर की जिन लोगों के घर में काम धंधे नहीं होते ना, न चूल्हा न चौकी न बाल न बच्चे न ये न वो पढ़ते हैं पढ़ाई के काम। अरे हमारे पास तो धंधा है भैया, खेती बाड़ी है, सारा कुछ है, हम क्यों पढ़े बावले? वाह। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग भी इस बारे में सोचिए और रोहतास को भी समझाइए। किसको? रोहतास को भी समझाइए। चतरे भाई साहब क्या कह रहे हैं मास्टर? रोहतास को भी समझाइए। भाई साहब इस मास्टर के इरादे तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं मुझे। बिंदु जी सही, तो हमको भी पढ़ाने की योजना लेके आया है दिल्ली से। अरे तेरी इस योजना का अगर हमारे बड़े भाई साहब को मालूम पड़ गया ना, तो तेरी तो बीड़ी सी सुलगा, बीड़ी सी सुलगा। मगर ये मामला है बड़ा खतरनाक और गंभीर। बिल्कुल बिंदु जी, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा घर जाके। चलते हैं हम लोग। अच्छा मास्टर आज तो तने छोड़ दिया ए? अगली बार मत कहियो बच्चा कमजोर है। बैठ जा। राम राम मास्टर जी। ताल ठोक के मूछ बैठ के अक्कड़ बाकड़ ऐठा, गदा भांज के सीना फुला के घुटनों के बल बैठा। लठा लठे तैयारी है पर कहीं तो कुछ है खट्टा, विद्या दान के बिना रे बबुआ मंजिल पे जा अटका, मंजिल पे जा अटका, मंजिल पे जा अटका। वफादार नहीं मसल वो मछली, अक्षर में है सार, अक्षर में है सार, अक्षर में है सार। दाव पेच और उठा पटक भी शिक्षा से लाचार, शिक्षा से लाचार, शिक्षा से लाचार। अरे भैया ये है घर परिवार, अरे बबुआ ये है घर परिवार।